हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू व्यास एकेडमी ई लर्निंग क्लासेस। आज हम संस्कृत के अंतर्गत संधि प्रकरण पढ़ेंगे और संधि के अंदर हमने देखा संधि के पांच भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला भेद होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अक सवर्ण दीर्घ। माहेश्वरी सूत्र के अंतर्गत हमने देखा था कि माहेश्वरी सूत्र के प्रथम दो सूत्र अ ई उन रि लिक, इन दोनों से अक वर्ण बनता है। तो अर्थात अक मतलब ये चार वर्ण अ ई उ और री, इनके समान समान वर्ण आने पर इनका दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ आदेश का मतलब जैसे अ का आ हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, उ का उ हो जाएगा और री का री हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अ प्लस अ आ प्लस अ आ, इसका दीर्घ आदेश आ हो रहा है। उसी तरह से ई वर्ण का दीर्घ आदेश ई होगा, उ वर्ण का दीर्घ आदेश होगा और री वर्ण का दीर्घ आदेश री होगा। अब यहां पर हम इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि आप यहां देख सकते हो एक शब्द मैंने यहां पर लिखा है विद्यालय। विद्यालय की जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आलय। अब हम देखेंगे कि विद्या शब्द के अंतर्गत ध्या में जो अंतिम वर्ण आ रहा है उसकी ध्वनि है आ, उसी तरह से आलय के अंदर प्रथम स्वर आ रहा है आ। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इनसे बनता है आ। तो इस प्रकार से इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो विद प्लस आ प्लस लय, इसका मतलब हो गया यह पूरा विद्यालय। स्वर संधि के अंतर्गत हम इसके दूसरे भाग यन संधि के बारे में पढ़ेंगे। यन संधि जिसका सूत्र है इकोयंची, अर्थात इक। इक का अर्थ होता है ये चार वर्ण ई उ री और ली, इनके परे यदि कोई असमान स्वर आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः यह वर्ण आदेश हो जाता है। अर्थात ई और ई के पश्चात यदि असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर यह वर्ण आदेश होता है। उसी तरह से उ अथवा उ के पश्चात असमान वर्ण आने पर उसका व आदेश हो जाता है। रि तथा उसके पश्चात असमान स्वर आने पर उसका र आदेश होता है और ली के पश्चात असमान स्वर आने पर उसका ल आदेश हो जाए। इसके पश्चात हम इसको उदाहरण के माध्यम से सब देखेंगे। जैसे कि पहला ई और ई के बाद यदि असमान स्वर आ रहा है तो उसका य आदेश हो रहा है। जैसे कि इति प्लस आदि, आदि में आ ध्वनि आ रही है और इति में ई, यानी दोनों एक दूसरे से असमान है तो इन दोनों के स्थान पर य होगा और मेल करने पर इत्यादि बनेगा। ठीक उसी तरह से उ प्लस उ असमान वर्ण व, जैसे कि सु प्लस आगतम यानी स्वागतम, रि प्लस असमान स्वर रि र, जैसे पित्र प्लस आदेश पित्रादेश, लि प्लस असमान स्वर ल, जैसे कि ल प्लस आकृति यानी कि ला। वृद्धि संधि के अंतर्गत इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि, अर्थात अ आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। जैसे कि एक प्लस एकम यानी कि एक एकम तथा प्लस ए तथे, उसी तरह से अ आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। जैसे महा प्लस औस्तम महोस्तम। स्वर संधि के अंतर्गत हम इसके तीसरे भेद गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सूत्र होता है आदगुण। आदगुण के अंतर्गत अ आ के बाद यदि ई और ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे कि उप प्लस इंद्र, उप में अ और इंद्र में ई, यानी अ और ई मिलकर ए बन रहे हैं, जिससे कि उप प्लस इंद्र उपेंद्र बन रहा है। उसी उसके बाद अ आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे कि सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। इसके बाद अ आ के बाद री या री बड़ी री आए तो उन दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। जैसे कि महाऋषि, महाऋषि को जब हम जोड़ेंगे तो महर्षि शब्द की रचना होगी। स्वर संधि के अंतिम भेद के रूप में हम अयादि संधि का अध्ययन करेंगे। अयादि संधि जिसका सूत्र होता है एचो यवा या, एचो यवा या, एच अर्थात ए ओ आई ओ के पश्चात यदि असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः आए औ आए आ, ये आदेश हो जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ए के बाद असमान स्वर आए तो उसका आय होता है, जैसे कि नय प्लस अनम नयनम। ठीक उसी तरह से ओ प्लस असमान स्वर आए उसका अव आदेश होता है, जैसे बो प्लस अनम
भवनम। ठीक उसी तरह से आय के बाद असमान स्वर आए तो उसका आय आदेश हो जाता है, जैसे गे प्लस अक यानी कि गायक, और औ प्लस असमान स्वर आए तो उसका आव आदेश हो जाता है, जैसे औ प्लस अक पावक। तो इस प्रकार से हमने